गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज, प्रतिशत। आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हमें ये रेशियो और अनुपात जो है, अनुपात समानुपात, अभी हम लेकर के आए हैं, उसको लेकर के लोड कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी बताएंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन सेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उसी सेट से, जितना एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन उसको हम चाहते हैं कि उसी को हम सॉल्व करके बताएं, ठीक है। तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे कि प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे आया हुआ है 2009 से लेकर के अभी तक सारे क्वेश्चन को निकाल रहे हैं और उसी को सॉल्व कराएंगे दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम अपने विषय वस्तु पे। देखिए दोस्तों, प्रतिशत को भी में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। प्रतिशत को अगर कोई प्रतिशत है, कोई प्रतिशत संख्या में प्रतिशत है, जैसे कि मान लेते हैं 16% को दोस्तों हम लोग को भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 100 से भाग देना, ठीक है, 100 से भाग देना दोस्तों। हम प्रतिशत के बारे में और भी चीजें जानते हैं लेकिन अब उसको डीप में लेकर के जाने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग थोड़ा सा टॉपिकली लेकर चल रहे क्योंकि मैथ हम लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 16 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/100, प्रतिशत का मतलब 100। जहां देखिएगा दोस्तों प्रतिशत, वहां बटा में 100 लगाइएगा ही लगाइएगा तो ही वो सही होगा। जैसे अब 8 × 16 50 × 100, 25 × 50 4 × 8, यानी लिख सकते हैं दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 16% का कितना होगा 4/25, ठीक है। तो उसमें का है, हम लोग का भी प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ परसेंटेज को भिन्न में बदलना सिखाएं दोस्तों कि 100 से भाग दिया जाता है। और इसी भिन्न को दोस्तों, इसी भिन्न को अगर पूछा जाए 4/25 को कितना परसेंट लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, 4/25 को मात्र 100 से गुणा कर दीजिएगा दोस्तों तो प्रतिशत हमारा आ जाएगा। तो देखिए तो इसमें अगर 400 हो जाएगा, इससे इसे गुणा करेंगे ना, 400 हो जाएगा बटा में 25, या ऐसे ही नहीं कर देंगे 25 × 100 और 4×16 आ सकता है ना, हो जाएगा ना 4×16, देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग कर देंगे, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 100 से भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है और भिन्न को भिन्न में नहीं प्रतिशत में लाने के लिए क्या 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा दोस्तों कुछ हम निकालना सिखा देते हैं। मान लेते हैं कि अगर 100% है, इसको भिन्न में निकालना, देख लीजिए कैसे निकाला जाएगा। तो बोले हम 100/100 करिएगा ना, 2 × 0 यानी कि 1 आएगा ना। अब मान लेते हैं अब 150 है, 150 तो 150% कैसे करेंगे, तो 150/100, ये 0 0 खत्म हो गया, 5 × 10 5 × 3 = 15 यानी 3/2 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद 200 का भी कर देते हैं, 200% तो 200/100 क्या 100 यानी कट गया 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, मान लेते हैं कि 80 दे दिया, 80% क्या करेंगे, 80/100, 0 0 खत्म, 4 × 8 = 5 × 10 यानी 4/5। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग पूरा का पूरा निकालेंगे, एक चार्ट देते हैं जिससे कि हम लोग निकाल निकाल करके उसको भी देखेंगे और आप भी देखिए, ठीक है। कुछ पूर्णांक भी हम दे रहे हैं, चलिए दोस्तों देखिए 90% दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। 90% को क्या कर देंगे, 90/100, ये 0 0 कट गया है ना, क्या बच गया 9/10, क्या ना नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, कोई और चीज, कोई और, 9/10 क्या हो जाएगा, 9/10। 70 को क्या लिख सकते हैं, 70/100, ये 0 0 कटता है, 7/10 कटेगा नहीं कटेगा, बस छोड़ देंगे, 60/100 ये कट गया, 3 × 6 = 5 × 10 यानी 3/5, ठीक है। और उसके बाद 40 को क्या कर सकते हैं, 40 को 40/100, 1 0 0 खत्म, 2 × 4 = 5 × 2/5, 50 को क्या कर सकते हैं, 50/100, 1 0 0 खत्म, 5 × 10 यानी कि 1/2 है ना। फिर उसके बाद 30 को क्या कर सकते हैं, 30/100, 1 0 0 खत्म यानी 3/10 है ना। अब उसी प्रकार से आते हैं 20 को भी निकाल देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 20 का, तो 20/100 आ गया दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, 5 × 10 यानी कि 1/5, ठीक है।
पानी दस या दो बचे कर दस एक बटे पांच दस को सौ एक बटे एक बटा इसको देख लेते हैं पचहत्तर को पचहत्तर बटा सौ हो जाएगा ना इसको पच्चीस दिया है पचहत्तर तीन अब पच्चीस होंगे सौ चार तीन बटे पच्चीस को पच्चीस बटा सौ पच्चीस हो गया सौ एक बटा चार है ना इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसमें पूर्णांक गायब कर देंगे तीन बटा दो हो जाएगा इसका ये तैतीस गायब कर देंगे एक बटा तीन बटे हो जाएगा बीच में ठीक है इस प्रकार से दोस्तों हम लोग पूरा का पूरा जो है निकालना सीख जाएंगे और आगे जो दिया हुआ है प्रैक्टिस करिए आप भी निकालना सीख लीजिए और कमेंट्स में लिख कर दीजिए भेजिए जो नहीं आएगा उसको हम बताए ठीक है दोस्तों चलिए एक सौ दस का बीस परसेंट 110 का 20% और 220 का 10% छूट मिल रहा है तो और दोनों को क्या कर देना है दोनों को जोड़ देना है दोस्तों तो 110 गुने का मतलब क्या होगा गुना और 20 को क्या लिख सकते हैं 20 बटा 100 लिख सकते हैं ना देखिए दोस्तों 20 को हम लोग 20 बटा 100 तो लिख दे रहे हैं लेकिन 1 बटा 5 भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा इसलिए अगर माने आपको याद है तो आप रख सकते हैं नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे दिया हुआ ऐसे भी लिखिए आप उस टाइम मान लेते हैं आपको नहीं है याद रहेगा तब का क्लिक करिएगा तो नहीं याद रहे मान लेते हैं 10 दिया हुआ 10 में सर सर करके कटा देंगे तो 1 बटा 10 तो लिख सकते तो हैं वो भी विधि बता देंगे वो भी उसको भी सेटअप करके बता देंगे ठीक है 1 0 1 0 गया 1 0 1 0 गया ठीक है इसमें से भी 1 0 1 0 1 चला गया है ना अब क्या कर देंगे यहाँ 11 2 22 हो जाएगा ना 11 2 22 आज 22 का 22 क्या हो गया 44 यानी दोस्तों इसका आंसर होगा ठीक है अब इसको भी देख लीजिएगा ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ दोस्तों वाट है यानी एक्स है मान के चलिए वाट करिए चाहे एक्स करिए कोई दिक्कत नहीं है उसी प्रकार से लिखेंगे 80 गुने परसेंटेज दिया है ना ऐसे परसेंटेज प्रतिशत बटे 100 और इसको 60 × 40/100 कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है इसको इसको कटा दीजिए ना कोई दिक्कत थोड़ी ना है यहाँ से इसको भी कटा दीजिए और 8 बटे क्या कर दीजिए यहाँ एक्स है मान के चलिए प्रतिशत को एक्स मान लीजिए बटा में 110 4 × 8 और ये हो जाएगा 5 ठीक है बराबर 6 × 4 = 24 है ना ये देखिए तो भागा में है ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x = 24 गुने 5 और x बराबर कुछ दिखे तो 24 × 5 बटा में क्या आ जाएगा ये 4 है ना तो 4 दोस्तों अब इसलिए नहीं कटा यहाँ पे 4 नहीं गुना किए इसलिए नहीं गुना किए कि यहाँ पे देख रहे हैं 4 है 5 24 है तो गुना में दोस्तों ऊपर नीचे क्या होता है कट जाता है कटा सकते हैं कैसे तो 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30 यानी x का क्या आ गया भाई 30% यहाँ पे हम लोग 30% लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है दोस्तों और 80 का कॉम्बिनेशन 80 का 30% बराबर 60 का 40% होगा ठीक है दोस्तों आप इसको निकाल लीजिएगा अब आते हैं सूत्र द्वारा और इसका ट्रिक भी देखते हैं जबरदस्त देंगे दोस्तों आप देखते रहिए आगे वीडियो देखिए दोस्तों दूसरा तीसरा सवाल यहाँ कह रहा है संख्या 25 40 का कितना प्रतिशत होगा क्या पूछा है 40 का कितना प्रतिशत जो संख्या है वो 40 का कितना प्रतिशत होगा तो प्रतिशत का मतलब दोस्तों पहले पता है कि प्रतिशत जब भी पूछेगा ना प्रतिशत निकालने के लिए तो 100 से बस मात्र गुणा कर दीजिएगा दोस्तों अब भिन्न को अगर प्रतिशत को अगर भिन्न को बदलना होगा तो 100 से भाग कर दीजिएगा दोस्तों तो हम लोग क्या कर देंगे 25 बटा में 40 बटा में 40 गुणे 100 ये 0 0 गया 2 × 4 और ये हो जाएगा 5 × 10 और ये कट जाएगा 25 × 5 = 125/2 और देखिए 6 × 12 6 × 12 कट गया 6 × 12 और ये तो कट गया 5 बच गया 2 × 4 2 × 4 यानी कि 62 × 1/2 ठीक है दोस्तों आप इसमें भाग करके देखिएगा 62 × 1/2 होगा इस देखिए कैसे किए हैं हम लोग देखिए 6 × 12 कटा दिए यहाँ पे 6 लिख दिए और 5 कटाना था दोस्तों तो 5 के लिए 2 × 4 कर दिए और जो बचा है एक शेष उसको 1/2 कर दिए और 2 × 4 बटा था तो यही 62 × 1/2 इससे गुणा इसको जोड़ दीजिएगा तो 125 हो जाएगा ठीक है अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अब देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, संख्या 60 जो है 60 संख्या से 80 कितना प्रतिशत कम है। जब भी दोस्तों कमी पूछेगा ना, कमी तो कमी या बटा मूल मूल जो मान है वो बिना शो कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कमी कितना है, तो भाई 80 या माइनस कितना 60, और कितना मूल मान है तो 80 है, बटा में 80 कर दीजिएगा, और गुना क्या करना है 100। ये इसका शॉर्ट टिप्स है दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा, और नहीं तो हम इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, 0-0 कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 5 = 10, अब इसको 20/4 × 5 ये और कटेगा, 5 × 5 = 25 प्रतिशत कम है, 25% क्या है दोस्तों कम है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा था चौथा क्वेश्चन हम लोग आते हैं वृद्धि वाला, इसी प्रकार से वृद्धि वाला भी होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, प्रियंका की आय तथा सुमन की आय क्रमशः 4000 तथा 6000 रुपए प्रति माह है, तो सुमन की आय प्रियंका की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमने कमी कर दिए, कमी था उसमें, इसमें वृद्धि कर दें, अगर वृद्धि पूछेंगे ना तो वृद्धि ऊपर में डाल दीजिएगा, और मूल मान जो है नीचे में, मूल मान जो पूछ रहा है मूल मान अगले 100, ठीक है, बस उसी पर बन जाएगा दोस्तों। ये 4000 ये 4000 है और ये 6000, तो 6000 माइनस कितना 4000, अब बटा में 4000 लिख सकते हैं, अगुना 100। ओहो अभी नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि माइनस है, पहले घटा देते हैं, है ना, कट गया ये 2-0 खत्म कर देते हैं। यानी कि 50 अधिक है, अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन लेकर के, चलिए दोस्तों देखते हैं छठा क्वेश्चन, इसे तो और ज्यादा, यदि संतोष का वेतन सुमित के वेतन से 50% अधिक है तो सुमित का वेतन संतोष से कितना प्रतिशत अधिक होगा दोस्तों, कितना प्रतिशत और कम सुमित का, मतलब सुमित से संतोष का कितना प्रतिशत कम होगा, ये चीज हम लोग को देखना है, ठीक है। संतोष से कितना प्रतिशत सुमित का अधिक, यही कहेंगे ना, तो उसके उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कमी है, कमी के लिए 50/100% करेंगे ना, और प्लस जोड़ देंगे और गुना 100 से कर, ठीक है। इसके पहले हम दे चुके हैं जो वृद्धि वाला जो था, ठीक है, इसको 150 कर सकते हैं, क्या कितना कर सकते हैं 100, ये 0-0 कट गया, ठीक है, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 10 हो गया, ये 100 हो गया, बटन 33 × 99 33.1/3, यही आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं उसी प्रकार से, चीनी का मूल्य अगर 25% बढ़ा दिया जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े, यानी कि जितना वो घर में जाता है उतना ही में उसका पूरा हो जाए, माने उसका मालिक बहुत तेज तरह, ठीक है, तो चाहता है कि हम वो घटे नहीं, सेम टू सेम वो हो जाए, 25% अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो पूरा घर में जो है चीनी मासिक लग जाता है, यानी एक महीना तक चल जाता है, तो इसके लिए भी बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, यही कमी करना है ना, कमी प्रतिशत निकाल दीजिए, यानी कि 25, अब बटा में डायरेक्ट 125 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हें 100, 25 बटा में 25, 125 गुना 100, ये 25 बचे 125 है, 25 चौका, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग आगे बनाएंगे, और आगे जो है इसी प्रकार से मिलेंगे मैथ, है ना, जो कि आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होगा, ये जैसे ग्रुप डी में चाहे या फिर रेलवे वगैरह में भी आता है परसेंटेज, तो परसेंटेज का भी एक टाइप नहीं दिए हैं, इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे देंगे, इसको बनवाएंगे हम, ठीक है, इसको फिर से एक बार करते हैं, देख लीजिए यहाँ दिखाई,
यहाँ पे देख लीजिए 25 बटा 125 गुने 100, इसको गुना कर दीजिए बटा 25 हो जाएगा ना, इसमें भाग दे दीजिए इतना से जो कि कट जाए पूरा पूरा। ठीक है दोस्तों, 25 पचे 100, 25 यानी कि 5 हो गया और 20 पचे 100 यानी 20 हो गया। देख लीजिएगा आगे भी इस प्रकार से मैं देंगे, ठीक है, जो कि हर एक बैंक में या फिर रेलवे वगैरह में आता है क्वेश्चन जो 10 को रहता है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो है अभी नहीं दे पा रहे हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट मिलेगा एक ही में कम से कम जो टिप्स बताएंगे वो अनुपात से भी रहेगा और रेशियो से भी रहेगा, बस सर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना जरूरी पड़ता है, इसलिए इसको देखते रहिए। और आज अगला जो वीडियो होगा इससे भी जबरदस्त ट्रिक लेकर के आए हैं दोस्तों, जबरदस्त जो कि देखते देखते मैं आप लोगों को सोल्यूशन कराएंगे, एकदम खुली गारंटी है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अब यहीं पे थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, उतना ही हमारे लिए फायदा है और आपके लिए भी फायदा है। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही पे हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है, आगे तो नेक्स्ट डे आएगा, कल फिर से करेंगे। और प्रतिदिन कंपटीशन तो नहीं लोड कर पा रहे हैं, लेकिन सप्ताह में 3 दिन जो है कंपटीशन लोड करेंगे, ठीक है, एकदम श्योरिटी है कि हर एक चैप्टर से जो बोले ना उसको करना है, ठीक है। सो थैंक यू।